राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरी बहनों। आप लोगों ने संक्रांति का बहुत नेक चार बताया है। एक नेक आपने बताऊं, एक बयान पूछो पहली, गाय ने भाई लिकियां बनावे। तो गाय ने भाई लिकियां बनावे, कह पहली पोत की दो रोटी ले लियो, दो रोटी में गुड़ गाल और गाय ने खुआओ। रोज ना नेम सु गाय ने खुआओ। अगर आपने रोज गाय नहीं मिले ने तो आप गाय की रोटियां ने इकट्ठी कर लियो, गुड़ एका ने गाल लियो, गाय की रोटी इकट्ठी कर लियो। भाई गाय की रोटी के फफूंद नहीं आनी चाहिए, सूख तो जाओ चाहिए। तो आप 5 दिन सू 10 दिन सू कोई गौशाला में या कोई गाय रखे है बाके जार दियाओ। ये आप 12 महीना गाय ने रोटी देव, पछ 12 महीना पूरा हो जाए जना अगली संक्रांति ना आप 5 किलो 10 किलो अनाज और गाय को बेस साड़ी ब्लाउज गाय की पूजा करे। और कोई के घर गाय है तो बिना अनाज दे दो और बेस दे दो, और नहीं तो आप गौशाला में जाए और दिया वो जना आपकी गाय बहेली बन जैसी और आपने बेहतरनी से पूंछ पकड़ आप तिर जैसो। गाय में 36 करोड़ देवी देवता वह है। तो गाय से बढ़ करे कोई पुण्य नहीं है, गाय अपनी माता है। और गाय की विशेषता बताऊं आपने, अभी तो गाय कौन रखे है, पहली गाय रखता है जना कोई टाबर के बुखार हो जाती, जना भी गाय माता समझ जाती, परिवार की बहुत रक्षक हुए गाय। थाके दुआरे बा रोटी ले बा को नहीं आवे है, बा थाना आशीर्वाद दे बा आवे। तो बा जाती जंगल में चरबाने तो बच्चा के बुखार हो जाती, जना बा इयाल की जड़ी बूटी खाती खारी, जको कसी भी जड़ी बूटी खाती बा, के भाई मेरा दूध सू बच्चा की बुखार उतर जाए। गाय की आ विशेषता है, गाय में बहुत विशेषता है। और मैं ज्यादा जानू को नहीं, मन जत्तो अनुभव है जत्ते मेरा बड़का से सुनेरी है, दादी सू मासू जकी मैं आपने बता रही हूँ, गाय का दूध से बच्चा की बुखार उतर जाती। तो गाय माता ने थे भाईली बनाओ, थाका घर में धन धान्य की कमी को रेसी, थाका परिवार में सुख शांति रेसी। 12 महीना बाद में भी को उद्यापन कर दो। अब मेरी बहना कोई पूछ रही है कि हजारी के अंत में क्या करे। बहन हजार चीज बांट दी पर अंत में कहीं करनो है, हजारी पूरी हो जाए जना बस ठीक है। और एक बहन कह रही है 84 कातर का थेला देना था, अब पोती हो गई सुवो उगो, अब दिया जाए कोनी दिया जाए, ननद ने और बुला ली। अगर आप संकल्प ले लियो 84 कातर को थेलो को तो आप जरूर दो। बा तो सूखी चीजा गलसी बिम, तो सूखी चीजा गाल 84 कातर का थेला में और दूर से रोड़ी का छांटा दे और आप बिने कड़प दियो, और फिर पानी ले हाथ में और संकल्प ले लियो के भाई मैं वो दान कर रही हूं। तो आप जरूर कर जो, इन छोड़ जो मत अगर ननद ने बुला ली हो तो। चौको वो तो अच्छी बात है, बधाई हो, आपके कन्या जन्मी है, लक्ष्मी आई है आपका घर में। और एक बहन खरी है राम राम का नेक, संक्रांत से कैसे लेते हैं, संक्रांत ने एक जना से राम राम कर लियो और पूरा 12 महीना नेम से राम राम करो। थे 2 बार बोलसो राम राम, 2 बार बा बोलसी राम राम, तो अब 12 महीना का कत्ता राम राम होगा। तो आपको सत्संग से भी बड़ो पुण्य है राम राम को नियम से लियो। और भी के बाद में मेरी पहली भी बताई दी है, 365 रुपया हुए है, 1 रुपये रोजिना को हुए, तो आप रोज 1 रुपये दे दो, 365 रुपया हुए है, जका दे दो और कपड़ा दे दो राम राम का आए वह टीको कार्ड। और एक मेरी बेटी है जकी के मेरा शादी ने 12 महीना 12 साल होगा शादी, तो लेकिन मैं अब गाठ पाठ सींचू। बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूरी को नहीं ब्यावली साल ही गाठ पाठ सींचे, जद आप विचार कर लियो जद्दी गाठ पाठ। तो गाठ पाठ को नियम आपने बताऊं, पानी को कलशो ले लियो और चांदी की अंगूठी ले लियो चाहे आखा ले लियो, और दरवाजा के बारे एक
पाट को मतलब बाठो और गाठ को मतलब गोबर। तो सिंचू ली मैं गाठ पाठ, पाऊं ली मैं राजपाठ, सिंचू ली मैं गाठ पाठ, पाऊं ली मैं सुहाग भाग। ये आप सात बार सींच लियो और हेंगड़ों की वाह ले जाओ टिक्की लगा वाली है जिकी सात जने का लगानी वे वाह। सात लड़कियां का लगा दो, सात औरतों का लगा दो, नियम से आप ओ गाठ पाठ को नेग है और बारह महीना हो जाए पूरा जना भी गाठ पाठ ने सींच बेस रख और आपका सासू जी दे दो, ननद ने दे दो, कोई ना भी दे दो। और एक मेरी बहन है संतोष है, मेरी सहेली है, बहुत प्यारी सहेली है बीकानेर से। वह पूछ रही है कि बिलौना को नेग बताओ। तो बिलौनो देखो चाकी को नेग बता दियो, मैं चाकी समराओ सासू ने बेस दे दियो, चाकी की पूजा कर लियो और बिलौनो बिलो और भी बिलौना पर बेस रखो, बिलौना के राखी बांधो, टीको काटो, जेन्ना के राखी बांधो और बेस रखो और वो सासू जी ने दे दियो, ननद ने दे दियो। मेन तो देखो सासू जी कोई है, वो बिलौनो आप सासू जी ने दे दियो। और मेरी बहना कोई पूछ है पोपा भाई की खानी, धर्मराज की खानी, सारी खानियां मेरी केड़ी है, आप सब्सक्राइब करो और घंटी को बटन दबाओ। जो को आपको ना सुबह पहली आज एक बहन को फोन आयो मेरे कने, मेरी रिश्तेदारी है कि मेरे कन तो सुबह पहली नोटिफिकेशन आ जाए जब मन मालूम पड़ जाए कि आज वो नेक बतायो है। आप रोज रोज पूछो इसू जो को सब्सक्राइब करो जो था सुबह पहली नोटिफिकेशन आ जैसी। मेरा पिछली बार का ही बहुत नेक बताएड़ा है और अब का ही बहुत नेक बताएड़ा है। संक्रांति ने तिल को दान करो, तिल का दान के बराबर कोई दान को नहीं। अन्न को दान करो, कपड़ा को दान करो, आप सो जतो, लेकिन गाया ने आप संक्रांति नहीं नहीं, रोज घास खुआओ, रोज रोटी दो, रोज गुड़ खुआओ, संक्रांति ने बहुत ज्यादा मत दो। जिसे के गाया के आप राज आए, गाय दुख पावे क्योंकि भूखा मरती फिरे, संक्रांति ने सब लोग खुआवे। तो आप इस बात को ध्यान रखिए।